क्या बात है, बहुत दिनों बाद यहाँ। मुझे पता था आप आएंगे। इसमें ऑयल डालना, ध्यान रखना। फिकर नॉट, यहाँ पर गाड़ियाँ दिल से रिपेयर होती हैं। जरा चेक कर लो। ओह, ये बाइक तो काफी महंगी लग रही है। ये तो है, लोकल बहुत है, लेकिन इसके लिए बहुत वेट किया। आपकी बाइक अगर लीली ने देख ली तो वो सच में पागल हो जाएगा। लेलिन ना, वो हमारे यहाँ टेक्नीशियन है। उसे लग्जरी कार्स और लग्जरी मोटरसाइकिल्स दोनों ही बहुत पसंद है। पागल है उसके पीछे। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए बाइक और कार रिपेयर करता फिरता है। लेकिन ये उसे देखने मत देना। ये कोई लग्जरी बाइक नहीं है। आपके गैरेज में रोज नई गाड़ियाँ आती है ना, आप तो सारी गाड़ियाँ चलाते होंगे। हमारे यहाँ के नियम बहुत सख्त है। बिना इजाजत के हम गाड़ियाँ छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो लीलिन तो जैसे ही कोई लग्जरी कार आती है यहाँ पर, वो रिपेयर करने लगता है। हाँ। ये लीलिन कौन है? इतनी तारीफ सुनने के बाद मुझे उससे मिलना है। वैसे तो वो काम छोड़कर जा चुका है, लेकिन कार को लेकर पागल है बिल्कुल। खासकर वो लग्जरी कार्स, उनमें ऑटो पायलट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, उसके सामने हम लोग कुछ नहीं है, आउटडेटेड हो चुके हैं। दाई जी, मुझे लगता है कि हमें उस लीलिन का पता लगाना चाहिए। कोई क्लू? जो शुआ ने वहाँ कार रिपेयर के लिए दी थी तब ये वहाँ था, और उसने उस कार में बहुत दिलचस्पी दिखाई। सबको लग्जरी कार्स पसंद है, ये अजीब बात है ना? एक तो उसे कार्स बहुत पसंद है, और उसने लग्जरी कार्स की कंट्रोल सिस्टम के बारे में रिसर्च भी किया है। एक और बात, उस गैरेज वाले ने कहा कि वो अभी भी छोड़ कर गया है। उसे ललचाने के लिए लीलिन की पसंद जाननी होगी, इसीलिए आप मुझे ये चीजें दिलाइए और फिर मैं लीलिन को लाने में मदद करूंगा। आज का मौसम बहुत अच्छा है ना? मजा आ गया। चलो चलते। सही कहा तुमने, लेकिन वो ठीक तो हो जाए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, ये देखो तुम्हारा फेवरेट गिफ्ट केक, पता नहीं कैसा है, खाकर देखो एक बार। अरे इसमें जहर नहीं है। अरे इसे खा लो। सॉरी बाबा, खा लो। लगता है कुछ करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? ऐसी हरकतें करना बंद करो। तुम हॉस्पिटल में हो तो मुझे बकवास जोक्स नहीं मारने चाहिए, मुझे माफ करना। ठीक है, पर आखिरकार वो एक मजाक ही था ना? लेकिन तुम्हारी ऐसी हरकतें कभी कभी मुझे मंजूर है। मैं साइकोथेरेपिस्ट जो हूँ। तो इसे खा लो। थैंक यू। नहीं, तुम्हें बुखार नहीं है। वो लू ने मुझे बताया कि तुमने उस खूनी को पकड़ लिया, इसलिए थैंक्स तो बनता है ना? तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, और वैसे भी तुम्हारी पूरी जिंदगी मुझ पर है। मुझे तुम्हारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए। I'm so sorry. अब ले लो इसे। कैसा है, तुम्हें अच्छा लगा? है ना अच्छा?
राजकुमारी, ये सब तुम्हारे लिए। बॉस, तुम अंदर कब आए? जब आप टॉयज से खेल रहे थे, एकदम प्यार से। आपकी हर मुश्किल में मैं हमेशा आपके पीछे ही होता हूँ। बॉस, बुरा मत मानना, अगर मुझे डॉग फूड पसंद आया तो मैं इस दुनिया में आपके बिना ही ठीक हूँ, आपका असिस्टेंट जो हूँ। यहाँ क्या लेने आया हो? कुछ तो होगा ना, मजाक कर रहा था। ये रहा क्लू। क्लू? ली लिन। हाँ, लू के भाई को इस पर शक है। ठीक है, उसे बोलो वो इसके पीछे रहे। बॉस, आप इतने उत्साह में आ गए हैं, प्यार का इजहार करने और उसके साथ रहने की बहुत जल्दी में हैं आप, है ना? जाओ। Hey, सुनो, गाड़ी चेक कर लो ना। दिखने में तो ठीक लग रही है, क्या हो गया? इंजन आवाज कर रहा है, अब मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ। लेकिन मेरी ये बाइक तुम रिपेयर कर पाओगे? तुमने उतनी बार गाड़ी नहीं देखी होगी जितनी बार मैं बना चुका हूँ, चिंता मत करो। लीलिन, ये कार रिपेयर्स करने में एक्सपर्ट है। चोरी की गाड़ियां अक्सर इसके पास आती हैं। इसे लोग सीक्रेट मैकेनिक कहते हैं। बॉस, आपके एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले उसने एक बाइक को मॉडिफाई किया था जिससे वो बिल्कुल उस पार्टी की बाइक की डुप्लीकेट लगे। पार्टी का फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, अगर उसे पैसा देंगे तो वो सारा काम बिल्कुल जिम्मेदारी से कर देगा। छोटा मैकेनिक इतना पैसा आखिर कहां से लाएगा? आप जानते हैं कि पिछली बार उसे किसने पैसे दिए थे? यंग जाओ ने। उसने दिए? यंग जाओ की ये दोनों बातें जितनी आसान दिखती हैं उतनी है नहीं। हाँ, पहले यंग जाओ का सबूत लेकर आओ, उसे मजा चखाते हैं। शुरुआत लीलिन से करो। तुम कुछ भूल गए हो? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। आज खास मैं तुमसे मिलने आया हूँ, चलो कार दिखाओ। मैंने काम छोड़ दिया है। मैंने आपसे ये बात कितनी बार कही है, गाड़ी में इम्पोर्टेड पार्ट्स लगे हैं, मेरे पास का नहीं है ये। मैंने बाइक नहीं ली है, कार खरीदी है, काफी टाइम वेट किया है। ऐसा तो तुम एक बार गाड़ी चला कर देख लो। ऐसी तो सिर्फ 20 कारें हैं दुनिया में, क्या तुम्हारे पास सच में? तुम आखिर हो कौन? चलो मेरे घर आके गाड़ी चला लो। मैं कैसे? नहीं आओगे तो दूसरे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, चलिए। कार के बारे में क्या? चलते रहो, बस थोड़ा ही दूर। तुम्हें ये कार आखिर मिली कहाँ से? मेरा एक करीबी दोस्त है। ये रही। तुमने तो कहा था स्पोर्ट्स कार है। ये भी तो अच्छी है ना, ट्राई नहीं करोगे? मुझे ऐसी कारों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अब जाना चाहिए। रुको, डरते क्यों हो? ये गाड़ी तुम्हें जानी पहचानी लगती है।
और भाई जान, हाँ ये कार कब आई यहाँ पर? बस आज ही सुबह, थोड़ी देर पहले। अच्छा तुम्हें मैनेजर वोंग बुला रहे थे। मैनेजर वोंग? हाँ बस अभी आए और वो तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे थे कुछ। तो तुम जरा इसे देख लोगे? हाँ ठीक है, कहीं जाना नहीं, चिंता मत करो। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तुम कार्स मॉडिफाई करने में एक्सपर्ट हो ना, खास करके लग्जरी कार्स पसंद है ना तुम्हें? हमने सोशल मीडिया पर तुम्हारी चैट्स देखी हैं। इस लग्जरी कार जैसी ही कंट्रोल सिस्टम बदलने के बारे में थी, यही वो कार थी ना? सही कह रहा हूँ मैं? नहीं ऐसा नहीं है। देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ, नहीं तो तुम। नहीं मुझे तो बस इस कार के बारे में जानना था, देखना था कि इसका कंट्रोल सिस्टम बदल सकता हूँ क्या। कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमने अभी जो कहा कि पुलिस को बता देंगे तो तुम पर इंटरनेशनल होमिसाइड्स का केस चलेगा, समझ गए? नहीं मैं खूनी नहीं हूँ, नहीं हूँ। अपनी चोरी कबूल कर लो, इसमें भलाई है। हाँ ठीक है ये मानता हूं। तो जरा मुझे भी बताओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? लीलीन ने मुंह खोल दिया है, इसके पीछे यांग जाओ है और वो चांगटिंग ली का चमचा है। इस बार चांगटिंग नहीं बच पाएगा। पर इस यांग जाओ को मैंने खुद एक बार देखा है, चांगटिंग बहुत ही कमीना इंसान है, अपना गुनाह कभी नहीं मानेगा। तो अब हम क्या करें? उसे एसी ग्रुप चाहिए, मैं आर्ट को यूज करूंगा, अब उसे दिखाते हैं। डॉक्टर लू नाम की थेरेपिस्ट रोज जोशुआ के साथ घूमती रहती है, उनका गहरा रिश्ता है, लेकिन जुजवान जरा भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे। जुजवान बेखौफ है लेकिन वो डॉक्टर नहीं, उसके लिए तो ये बेखौफ जैकपॉट जैसा है, वो क्यों नहीं खुश होगी? फिलहाल उस पर नजर रखो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अब सिर्फ ली को रास्ते से हटाना है, उसका रास्ता ढूंढना होगा। सबको बताओ एक घंटे बाद इमरजेंसी मीटिंग रखी है, सारे सीनियर्स को मीटिंग में आना जरूरी है। ये तो ल्यूमिनस का इंटेंट लेटर है ना, आपने इसे दबा कर रखा था, अचानक क्यों बाहर निकाला? ये तो ली को हटाने का ट्रम्प कार्ड है। समझ गया। अंदर आ जाइए। बॉस मिस्टर मीन एक घंटे में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इमरजेंसी मीटिंग के लिए एक दिन पहले नोटिस देना होता है ना? मुझे लगता है शायद कोई इम्पोर्टेंट मैटर होगा। इम्पोर्टेंट मैटर होगा तो सारे डिपार्टमेंट्स को एक दिन पहले बताना होता है, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों है। ये ल्यूमिनस का लेटर ऑफ इंटेंट है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है, लेकिन ली चांगटिंग को अपने सोर्सेस से न्यूज मिल जाते हैं और न्यूज मिलते ही उसने हमें भेज दिया, उसकी तैयारी को तो मानना पड़ेगा। मीटिंग में लगता है वो आपको सरप्राइज देंगे। लगता है सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, ल्यूमिनस का डिजाइन हमेशा से टॉप रहा है, हम इस फाउंडेशन को ही मजबूत बनाएंगे तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ल्यूमिनोस का नया प्रेसिडेंट यंग होना चाहिए और एक्सटर्नल डिजाइनर्स लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं,
उनसे ब्रांड को काफी फायदा होगा। मिस्टर जू सही है, मुझे लगता है ये सही होगा। ल्यूमिनस का ब्रांड कई सालों से मार्केट में टॉप रहा है। मिस्टर ली, आपके तरीके लोगों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं। अगर प्लान फेल हुआ तो क्या जिम्मेदारी आप लेंगे? अगर प्लान फेल होता है तो जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर पुराने ख्यालात वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हार का खतरा आने वाले इलेक्शन में बहुत बढ़ जाएगा। फेल होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री फिर नहीं मिलेगी। जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी तुम ये रिस्क फिर लोगे? ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए हम सबको वोट करना चाहिए। यहां पर जो फेवर में है वो अपना हाथ ऊपर करें। आप क्या कहते हो, डिजाइनर्स को पुराने डिजाइन्स में इन्वेस्ट करने दें? बॉस, कंपनी से खबर आई है, मी चांगटिंग फंस गया है। अच्छा है, मेरे ईमेल अकाउंट को मोबाइल से जोड़ दो, मैं सूट पहनकर बाहर जा रहा हूँ। लगता है ट्रीटमेंट असर कर रहा है, अपडेट पर जा रहे हैं क्या? है ना, सही कह रहा हूँ? अपना मुंह बंद रखना, मेरी बात समझ में आई या नहीं? मेरी आइसक्रीम टेस्ट करेंगे आप? नहीं, जाओ। ये वाली आइसक्रीम ट्राई करो, जैसे मैंने पहली बार ट्राई की है। मस्त है ना? कैशियोस कितने आ रहे हैं देखो। बच्चे की तरह खाते हो। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो देखो, बात यह है कि जब हम अकेले थे तब मैं तुम जाओ, मैं आती। लो, आप इनसे मिलिए, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है पीच। ये जुजुआन है ना? जुजुआन पीच का स्वागत करता है। इसकी जरूरत नहीं है। बॉस, मिस्टर मे तैयारी के साथ आए थे, आपको फर्क नहीं पड़ता? यकीन करना मुश्किल है। हम दोनों में से मुझे तो बख्श ही दो, वैसे भी मैं अंडर एस्टिमेटेड कंपिटिटर हूं। अब जाओ। इस फोन पर मिलो दूर से दाई ने फोन किया है।
सुनो, ये जुजवान तो आज बहुत ही अलग है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। सही कहा ना? हाँ, मानती हूँ कि वो अच्छा है, लेकिन अभी मुझे उसका इलाज करने पे ध्यान देना है। अब आगे तुम कुछ मत बोलना। ठीक है, उसके अच्छे होने के बाद का क्या? क्या उसके बारे में कभी सोचा है? ठीक होने के बाद वो तुम्हें भूल गया तो फिर उसके ठीक होने के बाद मैं उसे चुपके से छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चिंता मत करो, अब तुम्हारा चाहे जो भी डिसीजन हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे आप दोनों मजे कर रहे हैं ना? क्या बात है दाई गोंगो? थोड़ा काम है, आइए ना, आइए, कुछ कहना है। तुम चलो, मैं आता हूं। बॉस, क्या आज आप परेशान है क्या? हाँ, आज तो कुछ मत पूछो। पर ऐसा क्यों? दिन ही खराब है। अब मूड ही खराब है तो ऐसा ही होगा ना। चलिए अब काम की बात करते हैं, मिस्टर जू आपसे मिलने आएंगे। ये चीजें ले आओ जितना जल्दी हो सके, अच्छा होगा। पर इस वक्त कैसे, इतनी जल्दी कैसे लाऊं मैं? जू क्यों आए थे इसकी फिक्र नहीं है आपको? हाँ, डॉक्टर की फिक्र मत कीजिए आप, वो कहाँ भागने वाली है। मुझे अंकल की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। Come in. सर, इटली से हमारे लिए न्यूज है कि ल्यूमिनस के सीईओ नोवेली चाइना आ रहे हैं। डिजाइन डिपार्टमेंट का क्या हुआ? अपने ये पेपर्स मंगवाए थे ना, फाइनल रिवीजन हो गया है। ल्यूमिनस के ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये ली कहाँ है और क्या कर रहा है? उनका पिछला प्रपोजल रिजेक्ट होने से वो परेशान हुए है। उन्होंने नया डिजाइन बिना देखे ही अप्रूव कर दिया है। अब वो आपसे नहीं उलझेंगे। ये ली भी ना, ल्यूमिनस से कोलैबोरेशन हो जाने दो, फिर मैं सब देख लूंगा कैसे मुझसे लड़ता है। महाराज की सेवा में मैं हाजिर हूं। अंकल आप यहां? जी सर। क्या ये मेरा बिल है? ये लीजिए आपका बिल। जाओ। शुक्रिया। मुझे माफ करना। थैंक यू, इट्स ओके। समझ गई, अब ऑफिस जाऊंगी तो ही तो मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन वो अपने ऑफिस में मेरे लिए जॉब दे। मिस्टर नोविली,
आपकी कंपनी के साथ साझेदारी कर की बात है। सारे डिजाइनर्स ने बढ़िया डिजाइन बनाई है, ये देखिए आपको पसंद आएंगे। ये वो नहीं जो मैं चाहता हूं। माफ कीजिएगा लेकिन हमारे प्रेसिडेंट को ये डिजाइन पसंद नहीं आए। जरूरी ये है कि अब हमारा इको ग्रुप यूरोप के मार्केट में एंट्री करेगा। समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम हो कहां रही है। वो प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। इस डिजाइन में मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि इसमें ये ग्रुप जैसे कोई फीचर्स नहीं है, तो फिर मैं क्यों ऐसे कंपनी के साथ अपना बिजनेस करना चाहूंगा। मेरे प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसा फीचर नजर नहीं आ रहा है जिस वजह से इसे वो अपने ग्रुप के डिजाइन के रूप में कंसिडर करें, और अगर ऐसा है तो वो ये डील क्यों करेंगे। मिस्टर नोविली, मेरे पास एक प्लान है, आप देख लीजिए। ये तो हेक्साग्राम है। हेक्साग्राम इको ग्रुप कंपनी की ओर से मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बेताब हूँ। देखिए इन हेक्साग्राम डिजाइन में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, डिजाइनर ने खुद बनाया है। अगर ऐसे डिजाइन मिलते हैं तो मैं आपके ग्रुप के साथ काम जरूर करना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो हम जल्दी एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अली, ये सब क्या चल रहा है? मैं रेस का हारा हुआ घोड़ा हूँ। नोवेली को जाते हुए देखा तो जल्दी में पुरानी डिजाइन्स ले आया, उन्हें पसंद आ गई। पर ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि हमारा इको ग्रुप यूरोप के मार्केट में एंटर करेगा, और यही हम चाहते थे। सही कहा ना? वैसे कहूं तो नोवेल्टी ट्रेंड ज्यादा पसंद करता है, और ट्रेडिशनल तरीके से सफल होना उसकी सोच है। और नोवेली हेक्साग्राम डिजाइन्स का बहुत बड़ा फैन है, और इस बात के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो ये अच्छी बात है। समझ रहे हैं ना आप? इस बार अंकल ने भी मैदान मार लिया है। सीईओ के कॉम्पिटिशन में उन्होंने चांगटिंग के छक्के छुड़ा दिए हैं। मेरी चांटिंग इतना स्वार्थी आदमी है जितना हमारा बॉस भी नहीं है। अगर वो सारी इको ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगा कि कंपनी में असली बॉस कौन है। तुम्हें अच्छा देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। सच कहूं तो तुम अब भी दुखता है। मुझे पता है कि मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता। तुम मेरे भतीजे हो, मेरी आंखों के सामने बड़े हुए हो। सच कहूं तो आज भी मुझे बहुत अजीब फील होता है। तो वो ईमेल अब मुझे अपनी आईडी से भेजना जिससे मैं ही देख सकूं। तुम मेरे भतीजे हो, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। हाँ तो आओ चाचा भतीजा हाथ मिलाकर उसकी नींद उड़ा दें। हाँ सुनो, कुछ तैयार है कि नहीं? उसे ठीक से बनाना होता है। वैसे भी ये काम डॉक्टर लू देखती हैं। अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो उसका कबाड़ा हो जाएगा। अब जाओ। अगर बात कंपनी की होती तो शायद मैं मान भी जाता, पर काय ने मुझे छोड़ने को कहा। तो फिर उसके ठीक होने के बाद मैं उसे चुपके से छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। इसमें नुकसान तो मेरा ही हुआ ना।
पहले की औरतें शादी के लिए हाथ से कपड़े बनाती हैं। तुम्हारा ड्रेस कैसा है जरा दिखाओगी मुझे? क्या मैं देख सकता हूँ? हम जैसे लोग नदी और झीलों को पार करके जीविका बनाते हैं, हमें क्या पता ये सब कैसे करना है। और वैसे भी मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। तुम मुझसे मिले उससे पहले मैंने भी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम मिल गई हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। राजकुमार, हमने साथ मिलकर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आज रात मैं सच में आपकी दुल्हन बनूंगी। राजकुमारी, आज से तुम मेरी पत्नी होगी। अब से हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। महारानी के बाहर निकलने की शुभ घड़ी आ चुकी है। बताया वो लोग अब साथ में रहते हैं ना? हाँ, मैंने ऐसा ही कहा। अचानक इतनी सारी चीजें। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो जुजवान जैसा लगता है। हाँ मैंने भी सुना है, पता है गड़बड़ जाएगी। हाँ साथ में रहने लग गए हैं। शांत रहो। चलो हमें क्या, आज यहाँ सब लोगों को हो क्या गया है? अजीब बर्ताव है। हाँ कैसे हो जी? प्रणाम, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज यहाँ कैसे आना हुआ? राजकुमारी, आपने बनाया है? तुमने जवाब नहीं दिया, पसंद आया या नहीं? बिल्कुल पसंद आया। कल रात में मैंने एक सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैं जानता हूं कि वो सपना सच था। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। महाराज मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं मानता। आपने सपना देखा है ना, इसलिए आप नहीं मान रहे। ये एक कहावत तो है ना, दिन और रात के सपने।
पर मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे साथ आओ। महाराज आप यही हैं ना? मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं आपकी प्रेमिका पहले से हूं ना? लेकिन मैं तो हीरे जवाहरात से तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूं। जुजुआन जन्मों जन्मों तक तुम्हें अपना मानता हूं। मुझसे शादी करोगी? लू अब तू क्या करेगी?